दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर राज सिंह 111। गाइस, MI12 की डेली न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है मी हेल्थ ऐप को लेके, बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है, हमारी सारी न्यूज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट जरूर करिए। यह वीडियो 100% जेन्युइन है, कोई फेक वीडियो नहीं है गाइज। और हम लोग आपको जल्द ही सारी न्यूज़ कवर अप कर देंगे, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था गाइज, क्योंकि आपके भाई की सगाई है, इसलिए मैं उसमें थोड़ा बिज़ी हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैं कंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि अभी सगाई कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन मैंने वीडियो सारी बना ली हैं और कन्वर्ट भी कर ली हैं। और सभी न्यूज़ को जानने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर आपको सभी न्यूज़ मिल जाएंगी, जैसे कि MI12 की अपडेट, EMUI 11 की अपडेट, Android 10 11 की अपडेट, MI13 की अपडेट, सब कुछ। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं आज की न्यूज़ क्या है। तो गाइज, देख सकते हैं अपडेट नंबर 121 नवंबर 13 की अपडेट है गाइज। ये 10:05 AM पता चला कि सेवरल यूज़र जो MI12 में इंस्टॉल्ड हैं, और वो रिपोर्ट करें कि मी हेल्थ ऐप मिसिंग है उसमें, साथ ही साथ और कुछ रीजन में वो ऐप यूज़ हो रही, लेकिन हमें कुछ रीजन में ऐप नहीं मिली है। साथ ही साथ MI3, MI2, MI1 में जल्द ही आपको MI12 का अपडेट मिल सकता है देखने को, अचानक से अपडेट मिलेगा, ये रूमर से निकल के आ रहा है। और अगर आपको फुल न्यूज़ जाननी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके कि क्या न्यूज़ है उसमें सारी न्यूज़ आपको दिख जाएगी। Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, Mi 9 Pro 5G चाइना, ग्लोबल, इंडिया, यूरोप, इंडोनेशिया, रशिया में रिलीज़ कर दिया गया है, और साथ ही साथ स्टेबल वर्जन रिलीज़ किया गया है। मी 10 प्रो का गाइस आप देख सकते हो चाइना और ग्लोबल और यूरोप में किया गया है। Mi 9 Lite, Mi 90 Pro, रेडमी K20 Pro गाइस आप देख सकते हो मी लाइट के लिए री रिलीज़ कर दिया गया है ग्लोबली और यूरोप में भी। Mi 90 Pro के लिए रिलीज़ किया गया, Redmi K20 Pro के लिए अभी नया अपडेट देखने को मिल सकता है आपको 12.0.5.0 जल्दी ही इंडिया में। Redmi K30 5G, K30 Pro, K30 Pro Zoom, K30 4G, Mi 9 ट्रांसपेरेंट एक्सप्लोरर एडिशन देख सकते हो, सिर्फ चाइना में रिलीज और कहीं नहीं। Mi 10 Lite यूथ एडिशन, Redmi K30 5G रेसिंग एडिशन, Redmi K20 Pro प्रीमियम, Redmi 10X 4G, Redmi Note 9 गाइज आप देख सकते हो रिलीज हो चुका है तीनों में, और री रिलीज किया गया है Redmi 10X 4G में, और Redmi Note 9 के लिए आपको गाइज देख सकते हो ग्लोबल और इंडिया में री रिलीज किया गया है, और यूरोप, इंडोनेशिया, रशिया में रिलीज। रेडमी नोट 9 प्रो इंडिया में गाइस देख सकते हो सिर्फ इंडिया के लिए रिलीज हुआ है खाली, क्योंकि इंडिया का डिवाइस तो इंडिया के लिए है। रेडमी नोट 8 प्रो गाइस आपको नया अपडेट मिल चुका होगा 12.0.2.0 का, और सभी जगह ये रिलीज कर दिया गया है। रेडमी नोट 8 के लिए गाइस देख सकते हो मिड अक्टूबर दिखाया जा रहा है गाइस रेडमी नोट 8 के लिए, लेकिन अभी तक अपडेट देखने को नहीं मिली है। तो गाइस आप ट्विटर हैंडल पे आप कमेंट कर सकते हो, हैशटैग लगा सकते हो कि अपडेट नॉट येट गेट, अपडेट हमें नहीं मिली है और जल्दी हमें अपडेट प्रोवाइड कराई जाए। रेडमी नोट 8T के लिए गाइस सिर्फ ग्लोबली रिलीज़ हुआ है, इंडिया में रिलीज़ नहीं हुआ है। Redmi K30i 5G, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 Lite Zoom, Mi 8 Explorer Edition गाइस आप देख सकते हो सिर्फ चाइना में, और Mi 8 Pro री रिलीज़ किया गया है चाइना में, ग्लोबली कमिंग सून दिखा रहा है। Redmi 8A गाइस कमिंग सून दिखा रहा है हर जगह। Poco F2 Pro रिलीज़ किया गया है इसको ग्लोबली खाली, और यूरोप में, इंडोनेशिया, रशिया में, लेकिन इंडिया में रिलीज़ नहीं किया गया। Poco F1 गाइस देख सकते हो सिर्फ ग्लोबली वाइड रोल आउट हुआ है, लेकिन इंडिया में अभी तक देखने को नहीं मिला है, और जल्दी आपको अपडेट देखने को मिल सकती है। Mi 10 Pro गाइस ग्लोबल रिलीज़ हो चुका है। Redmi Note 7 गाइस इंडिया के रिलीज़ हो चुका है, अगर आपके पास रेडमी नोट 7 है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेडमी नोट 6 प्रो गाइस ग्लोबल दिखा रहा है सितंबर अक्टूबर के अंत, अभी ये अक्टूबर खत्म हो चुका है, नवंबर भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक देखने को नहीं मिला है। रेडमी नोट 5 में गाइस जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। Redmi 9, Redmi 8 कमिंग सून दिखा रहा है। Redmi Note 9 Pro Max रिलीज कर देगा पार्शली, अभी वाइडर रोल आउट की बात चल रही है। Redmi 8 Pro, Redmi 7, 7A 6 गाइज इस साल के अंत तक आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन रेडमी बता रहा था कि अक्टूबर के अंत तक सभी डिवाइस देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमें सिर्फ बेवकूफ बना दिया गया है। Redmi 6A 6 Pro, Redmi S2 Y2, Mi 10 Lite 5G, Redmi 10X 5G गाइज देख सकते हो इंडिया में सिर्फ दो डिवाइस के लिए आया है, Redmi 6 Pro और Redmi S2 Y2 के लिए, लेकिन
रेडमी वाई वन वाई टू वाई थ्री की जल्दी आपको देखने को मिल सकती है अपडेट, नया अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। रेडमी टेन एक्स प्रो 5G, मी सी सी 9 प्रो, मी 9 एस ई, मी मिक्स 3 5G, पोको एक्स टू के लिए गाइज देख सकते हैं इंडिया में नॉट अलॉटेड है, लेकिन पोको एक्स टू के लिए रोल आउट रेज्यूम कर दिया गया है। रेडमी नोट 7 प्रो वाइडर रोल पहले ही हो चुका था गाइज, मी नोट 3, मी मिक्स 2S, रेडमी नोट 9S, मी 10 रोट लाइट गाइज रिलीज कर दिया गया है ग्लोबली, और इंडिया में सिर्फ रेडमी नोट 7 का वाइडर रोल आउट हुआ है। मी सी सी 9, मी मिक्स 3, मी सी सी 9 म्यूटो एडिशन, मी 8 एस ई, मी मिक्स 2 गाइज देख सकते हैं ग्लोबली रिलीज हुआ है मी मिक्स 2 के लिए और मी मिक्स 3 के लिए। पोको एम टू प्रो, रेडमी नोट 9 प्रो ग्लोबल, रेडमी 9 प्राइम, मी सी सी 9 ई गाइज आप देख सकते हो पोको एम टू प्रो के लिए रिलीज हो चुका है पहले ही। रेडमी नोट 9 प्रो के लिए गाइज कमिंग सून दिखा रहा है और इंडिया में ग्लोबली भी नहीं हुआ है कुछ भी। रेडमी 9 प्राइम के लिए गाइज देख सकते हैं इंडिया में रिलीज हुआ था लेकिन लिमिटेड रोल आउट हुआ था, 1000 लोगों को मिला था, उसके अलावा किसी को नहीं मिला। मी सी सी 9 ई के लिए गाइज नॉट अलॉटेड और चाइना में सिर्फ रिलीज हुआ है। सो गाइज ये थी आज की MI12 की डेली न्यूज़, और आई होप आपको न्यूज़ पसंद आई होगी, तो शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सारी न्यूज़ से वाकिफ रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिस्टर राज सिंह 111 सपोर्टर।